इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 की गर्भस्थ महिलाओं की गोद भराई की एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गोठी इंदौर एवं श्रीमती शीतल दयाल इटारसी के द्वारा जारी किए गए वीडियो के माध्यम से महिलाओं को वर्चुअल तरीके से गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां एवं बच्चा होने के उपरांत स्तनपान के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। हाईटेक तरीके से दिए गए प्रशिक्षण उपरांत इनर व्हील अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू ने क्लब सदस्यों के साथ सभी गर्भस्थ महिलाओं की गोद भराई की और डॉक्टर सचिन गोठी इंदौर डॉक्टर शीतल दयाल इटारसी का धन्यवाद व्यक्त किया। वरिष्ठ सदस्य कावेरी देवी अग्रवाल ने शुभकामना दी। सचिव मीना अग्रवाल श्रुति अग्रवाल की सक्रिय भूमिका के साथ आंगनबाड़ी प्रभारी सुधा साहू आशा कार्यकर्ता मीना नगाइच एवं सहायिका कनीजा ने विशेष सहयोग प्रदान किया। उक्त अवसर पर मंजीत सोखी नीलम खंडेलवाल कुसुम तिवारी विनोदी बनर्जी शोभा अग्रवाल शोभा राजपूत संध्या सोनी मनीषा साहू एवं स्नेहा पार्थ साहू सहित अनेकों क्लब सदस्यों ने गोद भराई की। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग की है, उसके अंतर्गत इनर व्हील क्लब ने आज यहाँ पर आंगनबाड़ी के सहयोग से 4-5 महिलाओं की गोद भराई की है। हमने उनमें सुहाग का सामान और साड़ी कपड़े उनकी गोद में डाले हैं और इन सारी महिलाओं को बॉम्बे हॉस्पिटल के इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के सचिन गोठी से बनाई हुई एक वीडियो हमने उनको दी है। माता के दूध में क्या पौष्टिकता है और उसे कैसे पिलाना चाहिए और कब जरूरत है और क्या जरूरत है ये, और शीतल दयाल की भी तैयार की एक वीडियो हमने उनको दिखाई है कि बच्चे को कपड़े से कैसे रखना है और कैसे करके उनको माँ को दूध पिलाना है, क्या सही पोजीशन है माँ की और बच्चे की, ये सारी जानकारी आज हमने यहाँ पर इन सारी महिलाओं को दी है और ब्रेस्ट फीडिंग का डे मनाया है इनर व्हील क्लब ने। इसलिए परमेश्वर ने सभी स्तनधारी प्राणियों में प्रजनन के माध्यम से नवजीवन सृजित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माता को ही दी है, किंतु जन्मदाता के रूप में इस महान कार्य के साथ ही जुड़ी होती है अनेक जवाबदारियां। जितना महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के 9 माह में उपयुक्त पोषण, प्रस्तावित योग व्यायाम, पर्याप्त विश्राम, समुचित देखभाल और चिकित्सीय सहयोग से अपने गर्भ शिशु की देखभाल करना, उतना ही महत्वपूर्ण है जन्म पश्चात शिशु को स्तनपान और पर्याप्त देखरेख करना। नवजात के लिए प्रथम 6 माह तक केवल माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। इस दौरान पानी, शहद, घुटी या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। जैसे अन्य पशुओं का दूध उनके बछड़े के लिए उपयुक्त है, वैसे ही माता का दूध उसके नवजात के लिए। यह शिशु का मौलिक अधिकार भी है।